हेलो फ्रेंड्स, NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योत्सना परमार आज ही करंट अफेयर्स की क्विज़ लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चार ऑप्शन है हमारे पास, जापान, जर्मनी, चीन और रूस। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रूस। रूस और भारत की कोल इंडिया कंपनी ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है तथा कोल इंडिया के CEO है अनिल कुमार झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, बर्ड्स कनेक्ट आर बर्ड्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड टूरिज्म, यूनिफाइंग आवर वॉइस फॉर बर्ड्स कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड। जो 2020 की थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, वो है बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ड्स। हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हर साल उसकी थीम अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन एक अमित शाह, ऑप्शन सेकंड है राजनाथ सिंह, ऑप्शन थर्ड है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन फोर्थ है धर्मेंद्र प्रधान। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राजनाथ सिंह। जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किया है। पहले के मुकाबले इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब अन्य मार्गों की तुलना में यात्रा केवल एक सप्ताह में पूरी हो सकती है, जबकि पहले 2-3 सप्ताह का समय लगता था। अब इसमें कोई हवाई यात्रा भी नहीं करनी होगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस बीमा कंपनी ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सेकंड है ICICI लोम्बार्ड, ऑप्शन थर्ड है HDFC अर्गो, ऑप्शन फोर्थ है बजाज एलियांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुरू की है। यह पॉलिसी भारत में कहीं भी अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें बीमा राशि 1 लाख से 5 लाख तक के रुपए की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मी को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवा दी है? चार ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने उन सभी पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है, उन्हें कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मैडागास्कर, कॉमरस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों, आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों के साथ निम्न में से किस जहाज को भेजा है? तो अपनों ने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत ने INS जलाशवा को मालदीव भेजा है,
जो भारतीय अपने वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए। तो अभी जो है वो भारत ने मालदीव, मॉरिशस तथा मेडागास्कर, कॉमोरस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों, दवाइयों, खाद्य पदार्थों का एक जहाज भेजा है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS केसरी। तथा ये INS केसरी किस मिशन के अंतर्गत गया है? तो वो मिशन सागर के अंतर्गत गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने निम्न में से किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? चार ऑप्शन है, चेचक, मलेरिया, डेंगू और हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका राइट आंसर है चेचक या स्मॉल पॉक्स, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पंडाटा कुटप्पा का निधन हुआ है, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? चार ऑप्शन है हमारे पास, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और टेनिस। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हॉकी। कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक है पंडाटा कुटप्पा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था, इसलिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी योजना और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। तथा इसके अलावा ये ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगा और उन्हें कौशल के अनुसार नौकरी सर्च करने में भी मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्विज यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।